हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, आज हम फिर लेकर आए हैं नई जॉब की जानकारी जो कि डीआरडीओ द्वारा निकाली गई है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। इसमें लगभग 1817 वैकेंसी हैं जो कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की हैं 10वीं पास के लिए। आपको इसमें डिटेल में जानकारी दी जाएगी और फॉर्म भरने के बारे में बताया जाएगा तथा इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में बताया जाएगा। लेकिन इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें जिससे आपको सभी लेटेस्ट जॉब का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बात करते हैं जॉब के बारे में डिटेल में। जिन लोगों को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां पर जाकर यहां पर क्लिक करके डिटेल में ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। इसका अप्लाई करने का लिंक जो है 23 दिसंबर से एक्टिवेट होगा, उस दिन इसको एक्टिवेट कर दिया जाएगा और फॉर्म भरने के बारे में बताया जाएगा, आप वहां से फॉर्म को भर सकते हैं। तो बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट की। तो इसका जो एडवर्टाइजमेंट है 14 दिसंबर 2019 को इशू हुआ था और फॉर्म भरने की डेट जो है 23 दिसंबर 2019 से स्टार्ट हो रही है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है 23 जनवरी 2020 है तथा ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करने की लास्ट डेट 23 जनवरी 2020 है। आप इससे पहले फॉर्म को जरूर फिल कर दें। 23 दिसंबर को फॉर्म कैसे फिल करना है इसका वीडियो बना दिया जाएगा, आप इसको देख के फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट नेम की। तो पोस्ट नेम की बात करें तो मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है। अगर टोटल वैकेंसीज की बात करें तो इसमें मल्टीटास्किंग की 1817 वैकेंसी हैं। अगर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की बात करें तो एससी के लिए 163 वैकेंसी हैं, एसटी के लिए 114 वैकेंसी हैं, ओबीसी के लिए 503 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 188 वैकेंसी हैं और अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 849 वैकेंसी हैं। टोटल 1817 वैकेंसी हैं। अब बात करते हैं सैलरी की। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ की सैलरी जो है 18,000 से 56,900 रुपये पर मंथ है। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें कैंडिडेट को 10वीं कक्षा पास होना चाहिए या फिर इसके बराबर या फिर आईटीआई पास होना चाहिए। अगर एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फीस जो है 100 रुपये है। वहीं पर सभी महिला कैंडिडेट एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और ईएसएम कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन जो है रिटन एग्जाम बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड, जिसमें टायर वन में स्क्रीनिंग और टायर टू में फाइनल सिलेक्शन होगा। अगर एग्जाम की बात करें तो टायर वन में जो है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 35 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एबिलिटी से 35 क्वेश्चन आएंगे। टोटल इसमें 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा और टोटल नंबर जो है 100 नंबर का पेपर होगा। अब बात करते हैं टायर टू की, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की। तो इसमें जनरल साइंस के 40 क्वेश्चन होंगे, जनरल मैथ के 40 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होंगे। टोटल ड्यूरेशन 90 मिनट की होगी और टोटल नंबर जो है 100 नंबर का पेपर होगा। जिन लोगों को डिटेल में एडवर्टाइजमेंट पढ़ना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप यहां पर जाके पीडीएफ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे पीडीएफ ओपन हो जाएगा, आप डिटेल में पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। और जैसे ही फॉर्म का लिंक एक्टिवेट होगा आपको एक नया वीडियो बना के बता दिया जाएगा फॉर्म को कैसे भरना है। और ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।